अपने पिछले मैच में सिर्फ 36 गेंदों में 99 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाली सोफी डिवाइन आज बिना खाता खोले ही रनआउट होकर पवेलियन लौट गई हैं और अब इस रनआउट के डिसीजन पर आरसीबी के फैंस द्वारा सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये वाक्य है मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच खेले जा रहे मैच में आरसीबी की पारी के पहले ओवर का, जब स्मृति मंदाना और सोफी डिवाइन के बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली और मुंबई की विकेटकीपर यास्तिका भाटिया ने उन्हें रनआउट कर दिया। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये थी कि जब यास्तिका ने स्टंप्स बिखेरे तब उनके ग्लव्स का हल्का सा हिस्सा स्टंप्स को टच हो रहा था, लेकिन दूसरे एंगल से देखकर ऐसा भी लग रहा था कि उन्होंने स्टंप्स अपनी बाजू से ही गिरा दिए हैं। लेकिन थर्ड अंपायर ने सोफी डिवाइन को आउट करार दिया और बस इसी बात को लेकर थर्ड अंपायर के फैसले पर आरसीबी के फैंस नाराज हैं, क्योंकि पिछले मैच में 99 रनों की आक्रामक पारी खेलने वाली सोफी डिवाइन आज खराब फैसले से जीरो के स्कोर पर ही रनआउट हो गई है और आरसीबी को शुरुआत में ही एक तगड़ा झटका लगा। दोस्तों, आपकी इस रनआउट पर क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट जरूर करें।